हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंस्पायर्ड बायोलॉजी। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो लाइफ का ऐसा पार्ट है जो आपकी आगे की लाइफ कैसी होगी ये डिसाइड करता है, या आपका फ्यूचर कैसा होगा, या फिर आप लाइफ में कहाँ स्टैंड कर पाएंगे। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें अपने स्टूडेंट लाइफ में क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, ताकि उन्हें आगे जाकर और भी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स जो ट्वेल्थ में होते हैं या ट्वेल्थ पास आउट हो चुके हैं, उनका माइंडसेट कुछ इस तरीके से होता है कि ट्वेल्थ तक तो काफ़ी स्टडीज़ करी है, केवल परसेंटेज पर ही ध्यान दिया है, बहुत पढ़ाई कर ली, लेकिन अब हम कॉलेज में जाकर बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, बहुत ही कूल तरीके से रहने वाले हैं, नए नए फ्रेंड्स बनाएंगे, अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो इसी वजह से उनका माइंडसेट पहले से ही ऐसा होता है, तो वो इसी तरीके की एक्टिविटीज़ करते भी हैं, और इन सब के चलते कहीं ना कहीं जो बहुत ज़रूरी चीज़ें स्टडीज़ वो पीछे रह जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, बस आपको अपना माइंडसेट इस तरीके से रखना है कि यस, मुझे नए फ्रेंड्स बनाने हैं, इन्जॉय करना है, एक्टिविटीज़ भी करनी है, बट मुझे परसेंटेज की तो अब कोई टेंशन नहीं है, तो साथ साथ में मुझे मेरे अकॉर्डिंग स्टडीज़ पर भी ध्यान देना है, ताकि जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ कॉलेज में या अचीव करने जा रहा हूँ मुझे उसका पूरा नॉलेज मिल सके। बस आपको यही करना है, अपना माइंडसेट इस तरीके से बनाना है। अगर आपका माइंडसेट इस तरीके से रहेगा ना, तो आप स्टडीज़ को भी अदर एक्टिविटीज़ की तरह ही अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे, और आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, डोंट वेट फॉर एग्ज़ाम्स। ओके, हम सभी जानते हैं कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टडी करने के लिए एग्ज़ाम्स का वेट करते हैं, कि जब एग्ज़ाम्स होंगे तभी हम स्टडीज़ करेंगे। बट डियर स्टूडेंट्स, जो सिलेबस होता है वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 1 ईयर या फिर 6 मंथ के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करती हैं, और आप चाहते हैं कि आप वो सारा सिलेबस एक रात पहले कवर कर लें, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर आप जैसे तैसे पढ़ाई कर अगर एग्ज़ाम्स पास कर भी लेते हैं, तो इस तरीके के एग्ज़ाम्स का आगे लाइफ में जाकर कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा। सो इसलिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको स्टार्टिंग से ही केवल 15 से 20 मिनट डेली अपनी स्टडीज़ को दे देना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, आपको कुछ बर्डन भी नहीं लगेगा, और एग्ज़ाम टाइम पर भी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। ओके, थर्ड पॉइंट, क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हेल्प्स यू इन मैनी वेज। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको स्टडीज़ कॉलेज लाइफ में करनी है तो कुछ इस तरीके से करनी है कि अपने बेसिक्स को आपको क्लियर करना है। ओके, तो आपको आपके बेसिक्स पर काफ़ी ध्यान देना है, बिकॉज आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर होना बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप जब डेली 15 से 20 मिनट स्टडी कर रहे हैं, तो अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो उसका आप रिवीजन लगा सकते हैं, और अगर आपको टॉपिक में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कहीं पर आप अटक रहे हो, तो उसे आप गूगल या यूट्यूब से जाकर सर्च करें और उसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बिकॉज ये जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये कई तरीके से आपको हेल्प करते हैं आगे चलकर। बिकॉज जब आप कंपनी में जाते हैं या किसी फैक्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको बेसिक्स से ही क्वेश्चनिंग की जाती है, या फिर आप एकेडमिक्स में भी इंटरेस्टेड हैं तो भी आपको आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि आप अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने से बच जाएंगे। और अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपकी डिग्री होने के बाद आपको कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, बिकॉज़ अगर जब आप इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको फिर
कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आपकी डिग्री तो शायद आपके पास होती है बट वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है जो हर फील्ड में वर्क करने के लिए चाहिए। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं तो आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएंगे और आप किसी भी फील्ड में एक अच्छा स्टैंड ले पाएंगे, खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।